Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवराज यादव। आज की वीडियो टोयोटा लवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आप जैसा कि देख सकते हो मेरे पीछे है फुल्ली मॉडिफाइड इनोवा क्रिस्टा। ये बेसिकली 2016 का वेरिएंट है, वी वेरिएंट। सो इसमें अराउंड 80,000 रुपीज़ की एसेसरीज लगी है, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। सो ये सारा वर्क हुआ है न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर पर। सो मेरे साथ आज ज्वाइन हो रहे हैं मनीष भैया। सो हम सारी चीज़ें इसमें बताने वाले हैं, क्या कुछ मॉडिफिकेशन करे गए हैं। यहाँ पर आप ग्रिल तो देख ही सकते हो, जो कि फ्रंट प्रोफाइल को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक दे रही है। सो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर लेक्सिस इंस्पायर्ड ग्रिल देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है इसको। तो भैया, इसमें कौन कौन से वेरियंट्स के लिए ये आती है और क्या कुछ कॉस्टिंग आने वाली है अगर कोई इनोवा में लगाने का प्लान कर रहा है तो? ये जो लेक्सिस ग्रिल आप इसमें देख रहे हैं, ये सिर्फ इनोवा क्रिस्टा के लिए अवेलेबल है और फॉर्च्यूनर अवेलेबल है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पूरी ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल है, और जो इसकी कॉस्टिंग रहती है, इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 6,500 की। ये लेक्सिस इंस्पायर्ड ग्रिल है और पूरी ग्लॉस ब्लैक में ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोयोटा की ब्रांडिंग है ग्रिल के साथ प्रोवाइड करी, जो कि देखने में काफ़ी बड़ी और अट्रैक्टिव लग रही है, बिकॉज जो आपको स्टॉक मिलती है वो थोड़ी इसके कंपैरिजन में छोटी आती है। सो मूविंग टू द हेडलैम्प्स, सो मेनली इसमें LED बल्ब इंस्टॉल करें, और 2016 वाले वेरियंट्स में DRLs नहीं आते थे तो इसमें DRLs भी इंस्टॉल करें। सबसे पहले आपको ऑन करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। सो आप यहाँ पर देख सकते हो वाइट कलर के LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसकी विजिबिलिटी आपको नाइट में काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। देन ये तो स्टॉक ही है, जो कि चारों आपको LED बल्ब्स मिल जाते हैं। देन इसके नीचे ये आफ्टर मार्केट यहाँ पर लगाया गया है, जो कि ये पूरे LED DRLs विथ LED फॉग लैम्प्स। एंड बाकी आप जो इसके टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हो, ये तो स्टॉक ही है। सो गाइस, अभी गाड़ी को ऑन रखा है तो मैं इसकी टेल लैम्प्स भी आपको दिखाई देता हूँ। आपको भी इसकी स्क्रीन पर इमेजेस भी दिख रहे होंगे, जो कि नाइट में लिए गए। दिन में भी आप देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया आउटपुट आ रहा है इसमें। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इन्हें बोलते हैं LED टेल लैम्प्स विथ स्कैनिंग फंक्शन। तो जैसे ही गाड़ी को बंद करके चालू करते हैं तो आप देख सकते हो किस टाइप से आउटपुट देने वाले हैं। सो आप देख सकते हो ये फ्लोटिंग टेल लैम्प्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। आपको पर्सनली कैसे लगे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना। और ये पूरे स्मोक फिनिश में, जो कि कार के बैक प्रोफाइल को बहुत ही स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। फ्रंट में भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं इसके इंडिकेटर्स और ये DRLs। जो DRL से इंडिकेटर के टाइम आपको येल्लो में दिखेगी, जो कि टर्न इंडिकेटर्स का काम करेगी। सो आप फ्रंट प्रोफाइल पूरी देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। इसका स्कैनिंग फंक्शन, सो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। आपने इसका देखा किस टाइप से ऑन हुए, इसलिए इसे स्कैनिंग LED टेल लैम्प्स बुलाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं। अभी तो देखो आप दिन में इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मतलब नाइट में आप खुद ही सोच सकते हो कितने बढ़िया आउटपुट देने वाले हैं। सो जैसा कि आपने हेडलैम्प्स एज वेल एज LED स्कैनिंग फीचर टेल लैम्प्स देखे, तो इसकी क्या कुछ प्राइसिंग आने वाली है फ्रंट एज वेल एज रियर की? जो आपने ये लेक्सिस ग्रिल आप देख रहे हैं जिसमें इंस्टॉल हुई, ये आपको पड़ती है 6,500 की। जो पीछे टेल लैम्प लगे हैं LED स्कैनिंग फंक्शन वाले, वो आपको पड़ते हैं 11,500 के टेल लैम्प। और जो नीचे आपने DRL देखे थे, हमने ये फॉग लैम्प में DRL इंस्टॉल करे हैं, इसकी हमें प्राइस पड़ती है 2,500 की।
और साथ ही साथ हमने इसमें हेडलाइट में नाइट आई की ओरिजिनल LED डाली है जिसमें 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। इस वीडियो के आपको नेक्स्ट वीडियो में LED और HID किट पे एक दूसरी वीडियो भी आने वाली है जो बहुत डिटेल होने वाली है। ये क्लैडिंग लगाई है जो कि आप देख सकते हैं जो क्रिस्टा की ब्रांडिंग के साथ है। ये पड़ती है अपन को 3000 की, ये आती है गेलियो कंपनी की। सो गाइज हमने एक्सटीरियर में क्या कुछ मॉडिफिकेशंस करे थे वो तो बता ही दिए, अब मेनली इसका इंटीरियर कैसा हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इंटीरियर की ओर। यहाँ पर सबसे पहले डोर प्लाई की बात करें तो आप देख सकते हो ये प्योर लेदर लगाया गया है जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है इंटीरियर में। और अगर आप आज की SUVs देखेंगे MG हेक्टर अल्कज़ार तो सब में आपको यही कलर की थीम में सीट कवर्स देखने को मिलते हैं। और ये नापा लेदर के सीट कवर्स है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपोल्स्ट्री के साथ आपको मिल जाते हैं। और इसमें आपको 7D मैट्स डलाए हैं जो कि सीट कवर्स को मैच कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लुक दे रहे हैं। सीट कवर आप जो इसमें देख सकते हैं इसमें हमने टोयोटा फिटेड सीट कवर लगाए हैं जो कि नापा लेदर की फिनिश में। और साथ ही साथ इसकी जो हमने साइड प्लाई होती है जो कि नॉर्मल इसका क्लॉथ आता है इस पर हमने लेदर लगाया है। और साथ ही साथ हमने इसमें 70 मैटिंग डाली है वो भी ऑटोटेक कंपनी की डाली है। सीट कवर्स और ये सारे फिटमेंट की क्या कॉस्टिंग आई थी? जो सीट कवर की आप फिटमेंट देख सकते हैं ये आपको पड़ते हैं 13,500 के। इसमें रेंज तो कम से भी चालू हो जाती है और इससे ऊपर की भी रेंज है हमारे पास। ये आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्वालिटी आती है, कंपनी फिटेड भी यही सीट कवर आते हैं नापा लेदर के टोयोटा फिटेड भी। मैटिंग भी आप जो देख सकते हैं ये ऑटोटेक कंपनी के, ये ओरिजिनल ऑटोटेक है, इसकी क्वालिटी प्रीमियम आती है। जो आप लोकल कंपनी की 70 मैटिंग देखेंगे जो आपको कम प्राइस में प्रोवाइड हो जाती है मार्केट में, हम वो रखते ही नहीं है, हम ऑटोटेक कंपनी की रखते हैं ओरिजिनल। मैटिंग जो हमने इसमें लगाई है इनोवा क्रिस्टा में ये आपको पड़ती है 5800 की रेंज की। ये SUV सेगमेंट है, इसमें आप हैचबैक या सेडान लोगे तो आपको कम की पड़ेगी। तो आपको मैं इसकी एक बार रियर सीट चेक करा देता हूँ तो देख सकते हो कितनी बढ़िया फिनिश में वर्क करा गया है। यहाँ पर पूरी प्योर लेदर अपोल्स्ट्री लगाई गई है एंड मैटिंग जैसा कि फ्रंट से लेके एंड तक पूरी आ रही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें ब्लैक कलर में दिए जो कि इस कलर पर स्पेशली काफ़ी अच्छे उठकर दिख रहे हैं। एंड सेंटर में आर्मरेस्ट के लिए भी कवरिंग दिए कि अगर आर्मरेस्ट का यूज़ हो तब उसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो एज अ बेंच सीट 7 सीटर भी आप कार को यूज़ कर सकते हो।